किसान मित्रों के जो है उनके खेतों में अंकुरण हुआ नहीं है उनके गन्ने का तो इस सूरत में वो क्या कर सकते हैं इस सूरत में उनको दोबारा बुआई करनी पड़ेगी रासायनिक खादों के अलावा क्या किसान जो है ऑर्गेनिक हाँ। खादें उनका इस्तेमाल बुआई के साथ साथ जो बाकी टाइम में भी कर सकते हैं कर सकते हैं ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग जब हम खेत की तैयारी कर रहे हो बुआई के लिए उस समय हम डाल सकते हैं नमस्ते मैं अमृत आप सभी का स्वागत करता हूं बातें खेती की में दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद परमार जो कि एक कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर साहब हमें आज बताएंगे कि गन्ने की खेती कैसे की जाती है इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर जो किसान गन्ने की खेती कर चुके हैं तो मैं जानना चाहता हूँ बुआई के बाद बीज के लिए जो उनका अंकुरण होता है कई मामलों में हो देखा जाता है कि अंकुरण नहीं हो पाता है तो बीजों के अंकुरण नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं अंकुरण अगर नहीं हो रहा है तो उसमें एक दो कारण इस तरह से हैं कि अगर इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में बो दिया गया है उसकी डेप्थ सही नहीं रखी गई है एक ये, ये कारण हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है कि अगर बीज खराब हो ये दो कारण मेन कारण है अंकुरण ना होने के ये दो कारण अगर मान लीजिए कि किसान मित्रों के जो है उनके खेतों में अंकुरण हुआ नहीं है उनके गन्ने का तो इस सूरत में वो क्या कर सकते हैं इस सूरत में उनको दोबारा बुआई करनी पड़ेगी तो अगर दोबारा बुआई करते हैं तो बीजों के किस्म वही रहेंगे या फिर कोई दूसरे बीज, बीज बी, हो जाएंगे बीज की किस्म अच्छे अच्छे बीज की किस्म ही रखी जा रखनी पड़ेगी अच्छा और उसी को बोना पड़ेगा जैसे मान लीजिए पिछली बार ये होता है कि कभी अब ऐसा नहीं है कि पूरा ही एंटायर ग्रोथ ना हो कहीं कहीं होता है कि आ जा जाता है तो उसी की ग्रोथ नहीं होती है अदरवाइज तो ग्रोथ हो, हो, ही जाती है ऑलमोस्ट अच्छा, क्योंकि अच्छा। किसान इतना तजुर्बेकार होता है को, को, कोई भी किसान कि वो छाट बीज को छाट के बोता है जी जी गन्ने की खेती में जो सबसे इंपोर्टेंट पहलू होता है वो होता है पानी को लेकर के सिंचाई को लेकर जी जी तो जब शुरुआती जो गन्ने की बुआई हुई है तो क्या उसकी निराई करने के बाद सिंचाई की जाती है या सिंचाई करने के बाद उसकी निराई की जाए पहली सिंचाई कब की जाती है पहली सिंचाई कम से कम पंद्रह या बीस दिन बाद करते हैं जी जी फिर उसके बाद में अच्छा इसका यह है कि अगर अब समर सीजन है तब तो दस अब सिंचाई दस दिन बाद करते रहना चाहिए अच्छा अच्छा और विंटर में इसका इंटरवल जो है बीस पंद्रह बीस दिन का अच्छा ये मतलब गन्ने के खेतों में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। नमी बनी रहनी चाहिए अच्छा बाकी फसलों में जिस तरह से पानी की कम मात्रा इसमें पानी की ज्यादा क्यों, पानी क्यों की की है पानी की मात्रा ज्यादा इसलिए होती है कि इसको ये एक लॉन्ग टर्म क्रॉप पसल, है बारह से अठारह महीने लेती है मेचोर होने में तो इसको मैक्सिमम मॉइस्चर और प्रोटीन की नाइट्रोजन और ये उर्वरक पदार्थ की जरूरत पड़ती है अच्छा उसी के साथ इसी वजह से इसको पहले बुवाई से पहले किसान लोग खाद डालते हैं उसके बाद बुवाई के टाइम पे इसको नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास डालते हैं जब खाद वाले पे खाद खाद होगा पानी नहीं होगा तो फिर वो खाद का यूज हो नहीं सकता अच्छा अच्छा इस अच्छा एक अमूमन गन्ने के लिए जो है कितनी पानी की आवश्यकता हो होगी गन्ने की फसल पूरी फसल के लिए पूरी फसल के लिए पूरी फसल के लिए कम से कम ट्वेल्व थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड क्यूबिक मीटर वाटर की जरूरत होती है कितने जैसे खेत है किसी का एक एकड़ उसमें एक एकड़ खेत में किसान भाइयों को मतलब कितने बार पानी अपने खेतों में डालना होगा कम से कम 20-25 बार पानी डालना होगा पूरे फसल के पूरी फसल, के दौरान पूरी फसल मेच्योर मैजौर, मेच्योरिटी तक 20 बार 20 बार कम से कम और इनका अंतराल कितना होना चाहिए जैसे इस, आप बता रहे गर्मी के समर दिण में टेन डेज दस दिन का और विंटर में इसको बीस दिन का। 20 दिन का ये गैप होना चाहिए अच्छा बहुत सारे किसान जो है अपने गन्ने के फसलों के साथ साथ कुछ और फसलें भी बो देते हैं इंटर क्रॉपिंग करते हैं इंटर क्रॉपिंग बोते हैं तो इंटर क्रॉपिंग करते वक्त भी पानी उतनी ही देनी होती है इंटर क्रॉपिंग करते वक्त भी पानी उतना ही जाता है लेकिन इंटरक्रॉपिंग का टाइमिंग जो है वो बुवाई के कम से कम चार महीने बाद होना चाहिए अच्छा अच्छा क्योंकि ये स्टेज जो है गन्ने के लिए एक ग्रोइंग स्टेज होती है जैसे मतलब शूट, स्मॉल सूट के ग्रोथ के लिए उसको मतलब एयर नाइट्रो एयर और वीट वीट फ्री फील्ड होना चाहिए अच्छा तो जो हमारी इंटर क्रॉप है वो भी कोई भी क्रॉप किसी भी अदर क्रॉप मेन क्रॉप के लिए वो वेडी होती है अच्छा इसलिए उसको पूरा तीन चार महीने पूरा जब तक उसमें दो या तीन नोड ना आ जाए गन्ने के अंदर तो उसके बाद में इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए अच्छा ये क्या जो दूसरी फसल बोई जाएगी गन्ने के साथ में तो ये तो जरूरी नहीं कि उसको भी पानी की आवश्यकता गन्ने की तरह ही हो क्या ऐसा नहीं फिर तो अगर मान लीजिए वो पानी की क्षमता उसके पास ज्यादा पहुंच जाए तो वो फसल थोड़ी सी खराब हो जाएगी असल में इंटरक्रॉपिंग जो करते हैं वो उसका पीरियड ढाई या तीन महीने ही होता है अच्छा तो ढाई तीन महीने के इंटर जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो, तो उसके से नमी बनी रहती है अच्छा। तो उसका सिंचाई का इंटरवल जो है थोड़ा बढ़ जाता है अच्छा अच्छा इसलिए जो किसान इंटर क्रॉपिंग किए हैं वो सिंचाई का टेंडर थोड़ा सा बढ़ा सकते बढ़ा सकते हैं टाइम थोड़ा गैप वो बढ़ा सकते हैं गैप बढ़ा सकते हैं ताकि वो फसल भी ठीक से हो जाए और उनके गन्ने के भी जो पर्याप्त नमी मिलती रहेगी यानी कुल मिलाकर गन्ने के खेत के लिए देखा है तो नमी ही सबसे बड़ी आवश्यक है आप हमेशा नमी बनाए रखें और इंटर क्रॉपिंग है तो थोड़ा सा अपना कार्य कार्यकाल जो है पानी का वो थोड़ा वो अंतराल जो है अगर कहो तो वो बड़ा ही रहना चाहिए बिल्कुल अच्छा एक और चीज है कि गन्ने की खेती में जो है निराई का जो काम है तो वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है हाँ जी तो वो कब करना चाहिए कब कब करना चाहिए किसानों को बुवाई के तकरीबन तीन या चार हफ्ते बाद बुढ़ाई शुरू करते हैं जब बीज आ जाए ऊपर जब वो बीड्स ऊपर आ जाते हैं तो उसकी होइंग या खुरपी से इस तरह से उसकी या मशीन होइंग मशीन आती है और टिलर आता है टिलर आता है हाँ। उसको कर देते हैं उसका दो रो का डिस्टेंस जो रहता है उसमें हो, वो कल्टीवेटर चल जाता है अच्छा तो उससे हो जाता है फिर कभी भी निराई की आवश्यकता फिर आवश्यकता होती है फिर सात आठ हफ्ते बाद फिर एक गुड़ाई कर देते हैं सात आठ हफ्ते बाद क्यों फिर फिर करते हैं फिर करते हैं अच्छा और उसमें फिर आफ्टर फोर्टी फाइव डेज पैतालीस दिन के बाद में एक अर्थ हफ की एक जरूरत पड़ती है मिट्टी चढ़ाने की अच्छा उस समय फोर्टी फाइव डेज में थोड़ा ट्रिलिंग अच्छी हो जाती है में और उसकी सपोर्ट के लिए दोनों तरफ से मिट्टी अच्छा मिट्टी, अच्छा मिट्टी चढ़ाई जाती है तो मतलब निराई की भी जो कार्य कार्य जो जो अंतराल है वो भी एक टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत भी करना चाहिए ये ये। और उसके बाद जो आखिरी पड़ा है कि उसमें मिट्टी जो है गन्ने के ऊपर चढ़ा देते हैं चढ़ा देते हैं दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आप ले रहे होंगे और आपके लिए काफी लाभदायक भी होंगी अभी फिलहाल लेते एक ब्रेक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गन्ने में जो उर्वरक है वो कैसे डालें कितनी मात्रा में डालें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक साल के भीतर देखा जाए तो कितनी दफे जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है गन्ने की फसल में हम यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं यूरिया स्प्रे स्प्रे कैसे Foliage, Foliage अच्छा क्या फसल के बीच में कोई हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जब फसल खड़ी हो गई हो या टॉप ड्रेसिंग के वक्त भी कह सकते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम बात कर रहे हैं गन्ने की खेती कैसे करें इसके बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद परमार डॉक्टर साहब अब हम बात करना चाहेंगे उर्वरक को लेकर के गन्ने की खेती जब हम कर रहे हैं तो उर्वरक को जो है हम कब डालें और किस अंतराल पर डालें हम उर्वरक एक तो जब बुवाई करता है किसान तो उसी उसी टाइम डाल देते हैं जी ब, बुवाई के टाइम पे फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है वो पूरी मात्रा उसी टाइम डाल देते हैं नाइट्रोजन का कुछ पार्ट उस समय डालते हैं और नाइट्रोजन में अगर हम इरिगेशन का सिस्टम ड्रिप इरीगेशन से अगर डालते हैं तो हम ड्रिप के थ्रू डालते हैं नाइट्रोजन के लिए अदरवाइज क्रॉप के एक सौ बीस दिन बाद हम पहला टॉप ड्रेसिंग डालते हैं अच्छा हाँ उसके बाद फिर आफ्टर सिक्स मंथ दूसरा टॉप ड्रेसिंग डालते हैं, अच्छा। हैं। इसमें इसको दो तरीके से डाल सकते हैं हम यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। फर्क पड़ता है से. यूरिया जो चाहे डी ए है उसका इस्तेमाल किसान बहुत एक्सेसिव कर देते है yes. वैसे एक साल के भीतर देखा जाए तो कितनी दफे जो है फर्टिलाईजर्स का इस्तेमाल किया जाता है गन्ने गन्ने की की फसल में। की फसल में में फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो मेजर एलिमेंट है फर्टिलाइजर के उनमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा बुवाई के समय ही पूरी डाल देनी चाहिए अच्छा जो भी निश्चित है और नाइट्रोजन की आद आद वन थर्ड और टू थर्ड नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग में जब फसल खड़ी फसल में डालते हैं जी उसको दोनों तरीके टॉप ड्रेसिंग में भी डाल सकते हैं छटक के और स्प्रे के थ्रू तो भी डाल सकते हैं अच्छा अच्छा। स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं टू परसेंट यूरिया का अगर, अगर फसल में कोई किसान जो है उसमें और भी खेती किया है गन्ने की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग की है उसने तो फिर उर्वरकों का क्या मात्रा उसमें बढ़ जाएगी या फिर नहीं नहीं या फिर वही मात्रा सेम वही सेम वही मात्रा उसमें अलग से उर्वरक डालने की जरूरत आवश्यकता नहीं है अच्छा कुछ फसलों में क्या होता है कुछ दूसरे तरह के डिमांड होती है उनकी उर्वरक की मात्राओं को लेकर के गन्ने में कुछ दूसरी होती है तो हा, क्या हा, वो प्रभावित होते हैं एक दूसरे से वो त, आ, आ, उर्वरक से प्रभावित तो नहीं होते मतलब ऐसा होता उनका, उनका हो ग्रोथ कहीं ज्यादा जो फसल का जो टाइम है वो मैंने जो बताया था आपको दिन बाद नहीं दो तीन महीने थ्री फोर मंथर थ्री फोर मंथ मतलब जो इंटरकोपिंग करते हैं हम तीन चार महीने बाद करनी चाहिए वैसे तो ये है कि किसानों को जब तक समझाया ना जाए जब तक तो किसान तो शुरू से ही कर कर, कर देते हैं तो वो इस बात को नहीं समझते कि इसका इसका इफेक्ट जो है वो गन्ने की फसल पर पड़ता है गन्ने की फसल वीक हो जाती है इसलिए इसको साइंटिफिकल तरीका यही है कि इसको तीन चार महीने बाद करें और उसका जो पीरियड हो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके टॉप ड्रेसिंग जो फसल भी बो रहे हैं वो कम अवधि वाली हो कम अवधि वाली आ, जी जी और लेकिन जब उस दौरान जब खाद डालते हैं या फिर उर्वरक डालते हैं जो भी तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके बाद उसमें कोई माला हल्की करते हैं जैसे हाँ। सपोज अगर हमने दो बार करनी हो उसको तीन बार में कर देते हैं अच्छा अच्छा अगर हमने इंटरकॉपिंग करनी है जी जी तो उसकी मात्रा हल्की डालेंगे जब तक वो इंटरकॉपिंग हो रही है हमारी अच्छा अच्छा उसके बाद में फिर हम जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है अमूमन जुलाई के बाद ग्रोथ फास्ट हो जाती है और जितने भी हम टॉप ड्रेसिंग डालते हैं वो जुलाई से शुरू कर देते हैं अच्छा जो मेन उर्वरक डालने का काम है उसी वक्त किया जाता है उसी वक्त उसी अच्छा जो क्या? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन डाल नाइट्रोजन डालने रासायनिक खादों के अलावा क्या किसान जो है ऑर्गेनिक खादे उनका इस्तेमाल बुआई के साथ साथ जो बाकी टाइम में भी कर सकते हैं कर सकते हैं ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग जब हम खेत की तैयारी कर रहे हो बुआई के लिए उस समय हम डाल सकते हैं जब भूमि तैयार कर रहे हो उसी वक्त उसी वक्त डाल सकते हैं अदरवाइज बुवाई के समय भी जब हम फरो बनाते हैं, कून बनाते हैं हैं और गन्ने को बुवाई करते हैं उससे पहले डाल सकते हैं क्या फसल के बीच में कोई हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जब फसल खड़ी हो गई हो या टॉप ड्रेसिंग के वक्त भी कह सकते हैं कि फसल डाल सकते हैं खड़े हो आ, उससे ज्यादा फायदा हम अगर शुरू में करें। शुरू में करें तो ज्यादा फायदा मिलता है अच्छा अच्छा तो किसान भाइयों अगर आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल करें जिसमें गोबर की खाद है की खाद, खाद है, है या फिर केचुए, की, केचुए, खाद केचुए है, की खाद है तो इस तरह की खाद का इस्तेमाल आप खेत में शुरुआत में ही कर लें तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा फिलहाल लेते हैं ब्रेक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गन्ने के खेत में कीटनाशकों का इस्तेमाल कैसे करें और कौन से किस तरह से करें इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे वैसे मान लीजिए कि जिन किसान मित्रों के खेतों में मान लीजिए कि कीट लग ही गए तो इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कीट लगा है और अब इसमें मैं इस तरह की जाए। तो तो हो, हो, है। है। हो, हो जाएगा सूट 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 लगा लगा हुआ हुआ है था उसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा करने के लिए एक और चुनौतियां किसानों को आजकल बड़ी झेलनी पड़ती हैं खेतों में नील गायों का जो है बड़ा ही उनका कहर रहता है सुअरों का रहता है जो उनकी फसल को खराब कर देते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डॉक्टर साहब जब गन्ने की खेती होती हो तो कीटों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है उसमें तो मैं जानना चाहता हूं कि गन्ने की खेती गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट जो है वो धावा बोलते हैं उसकी फसल को बर्बाद करते हैं और उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से कीटनाशक जो है उपयोगी होते हैं उसमें गन्ने की फसल में शुरू शुरू में हमें टॉप टॉप बोरर लगता है जिसको सूट बोरर बोलते हैं और ये शूट में छेद करके और पूरे उसकी ग्रोथ को खत्म कर देता है सेकंड पोजीशन में आता है अगर उससे बच जाता है तो नोट बोरर इंटर नोट बोरर होता है जिसको तना तक बोलते हैं वो नोट से एंट्री करके और पूरे जो फोर फाइव नोट्स होती हैं अर्ली नोट्स को फोर फाइव अर्ली नोट्स को खत्म कर देता है अच्छा जिससे उसकी वृद्धि पर करने की पर असर पड़ता है और इसके अलावा इसमें टर्माइट का भी दीमक का प्रकोप हो जाता है दीमक का प्रकोप अगर तो आपने नमी की कमी रखी है तो दीमक का प्रकोप होने की संभावनाएं हो जाती ज़्यादा हो जाती हैं है। है। उसके लिए हम क्लोरोपेरिफोस कार का, स्प्रे करते हैं अदरवाइज सॉयल एप्लीकेशन भी दे, दे सकते हैं सोयल एप्लीकेशन विद वाटर वो कैसे करते हैं सोयल एप्लीकेशन बस जब पानी को जब हम सिंचाई फ्लड सिंचाई देते हैं तो या तो हम पानी के साथ ही पानी के साथ में उसको उसमें छेद कर देते हैं तो ड्रिप करके पानी के साथ आते आती रहती है वो जो कीटनाशक वो पानी के साथ ही चले पानी जा जा के साथ, साथ आ जाता है अदरवाइज उसका स्प्रे कर कर सकते स्प्रे करते हैं उसके अलावा ऐसे जैसे कि मान लीजिए ये क्या पहले प्रिकॉशनरी तौर पे ये कीटनाशक का इस्तेमाल कर देना चाहिए या फिर किसान को कैसे पहचाने के प्रिकॉशनरी तरीके से अगर करते हैं तो हमें थोड़ा सा इको फ्रेंडली अगर जाए तो हमें नीम नीम की खली का यूज करना चाहिए अच्छा वो बुआई के बुआई से पहले पहले कर लेना बुआई से पहले ही मिट्टी में ही मिट्टी में मिट्टी में मिला देना चाहिए जी जिससे ये दीमक और दूसरे रोटेंडर्स वगैरह हैं इनसे बचाव हो जाता है अच्छा, अच्छा। चूहों से बचाव हो जाता है हाँ। तो इन सब के लिए इसका करते हैं तो जैसे एक और कीट है पायरिल्ला है उसके लिए और रोटेंडस के लिए और दूसरे कीटनाशकों के लिए हम फोर एड टेन जी का प्रयोग करते हैं अच्छा फोर एड टेन जी ढाई के जी पर हेक्टेयर का अच्छा अब इस्तेमाल कर सकते हैं एक बाजार में हमें दिखाई दे बाजार में कई तरह की मतलब कीटनाशक भी बहुत बहुत पड़े पड़े हैं। अच्छा एग्रोकेमिकल्स बहुत है उन्होंने एक पैरामीटर भी बनाया है एक रेड मार्क होता है एक येलो मार्क होता है तो ये सब क्या चक्कर है ये रेड मार्क ज़्यादा ख़तरनाक होता है रेड मार्क येलो से रेड मार्क येलो मार्क और ये उसके लिए मानक हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रकोप है तब रेड मार्क तब तो आप रेड मार्क करेंगे उसका मतलब हानिकारक एस्पेक्ट भी हो सकता है हानिकारक एस्पेक्ट इसके रेसिडुअल इफेक्ट्स भी काफ़ी हैं कीटनाशकों के इसलिए कीटनाशकों का प्रयोग करने से पहले बुवाई के समय ही हम उस बीज को उन सूट्स को उपचारित उपचारित वैसे मान लीजिए कि जिन किसान मित्रों के खेतों में मान की कीट तो इनकी पहचान करेंगे उसका सूट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा अच्छा जो बीज की वो होती है सूट बीज की पत्तियां निकल के आती हैं जिससे तनाव बनता है वो वो सारा सूट जाता है ड्राई कर जाएगा अच्छा क्योंकि नीचे से उसको फीडिंग नहीं होगी बोरर काट चुका तो है ये दूसरा ये है कि अगर स्टेम बोरर लगा हुआ है हाँ। तो स्टेम बोरर में रेडिस, रेडिस आ जाता है अच्छा अच्छा लाल तरी उसमें आ जाता है और हाँ। कहीं पे होल नजर आता है जब आप कभी आपने अगर गन्ना खाया हो या किसान भाई गन्ना खाते हैं हमारे तो वो जो देखते हैं कि भाई ये छिलते छिलते रेड कहाँ से आ गया रेड आ गया था बीच में काले टाइप के काला भी रहता, भी रहता भिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल तो वही चिपकी तो वो, तो वो है। जो है हाँ। वो इसलिए इसको जो है एक बार पत्ती हटाने का एक तरीका होता है इसलिए इसको साफ करके सफाई भी करनी जरूरी होती है जब गन हमारे पास में स्टेम तक आठ दस फिट का हो जाए तो उसको एक बार क्लीन करके उसको बनाई भी करते हैं गन्ने की खेती हाँ, इसी वजह से करते हैं कि वो साफ नजर आए कि कोई कीड़ा लगे या उसमें कोई एग वगैरह छुपे न रह जाए जी जी तो, तो ये पहले ही पता चल जाए ये है। पहला ही पता लग जाता है अच्छा अच्छा स्टेम बोरर है ये है तो इनकी पहचान इसी इन, तरह इन, से पहचान पत्तियों से और तने से दोनों से हो जाए तब अपने किसान कोई भी, भी रूप तब वो क्या कर लग सकते हैं, हैं, हैं। कि उर्वरक अपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इस, वहाँ पे कर सकते हैं हालांकि जितना जरूरी है वो येलो मार्क के पेस्टिसाइडी लड़ा और दूसरे जो कीट पतंगे हैं वो तो उड़ते हुए नजर आ जाते हैं मालूम पड़ जाता है भाई ये लगा हुआ आ चुका है तो उसमें तब आप स्प्रेज स्प्रे कर सकते हैं अच्छा अच्छा जी डॉक्टर साहब एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये, ये तो खेतों को परेशानी से बचाने के लिए कीटों से तो हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर देंगे भूमि की बढ़ाने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल कर देंगे ये, ये। लेकिन गन्ने के लिए एक और चुनौतियां किसानों को आजकल बड़ी झेलनी पड़ती हैं खेतों में नील गायों का जो है बड़ा ही उनका कहर रहता है सुअरों का रहता है जो उनकी फसल को खराब कर देते हैं तो क्या कोई ऐसा कोई उपाय है आप लोगों के पास कि बता दे कि किसान उससे वो अब वो हमेशा तो बैठा तो नहीं रहे इसके लिए, लिए। आजकल वैसे जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग चली है बड़े किसानों के लिए अच्छा अच्छा और उस पर मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है खर्चा कितना आता होगा इलेक्ट्रिक फेंसिंग वही कर जैसे बिजली का तार हर जगह बिजली के तार उसका वो हो जाता है हाँ। और उस उसपे जो करंट देते हैं वो शॉर्ट करंट देते हैं जैसे अच्छा झटका लगे और अलग हो जाए अच्छा अच्छा इस तरह की चीजें हो जाती है खर्चा कितना बैठता होगा इसमें खर्चा उसमें तकरीबन बैठ जाता है एक एकड़ में करें तो एक एकड़ के लिए मैं आपको पर स्क्वायर मीटर का बता देता हूँ स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर का तकरीबन पंद्रह सौ रुपये पर स्क्वायर मीटर का वन टाइम वन टाइम वन टाइम हाँ वो पंद्रह सौ रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से पड़ता हाँ, है पर रनिंग मीटर अच्छा स्क्वायर नहीं रनिंग रनिंग मीटर में अच्छा मीटर में हाँ जी जी ये सर तो हो सकती है उसमें तो आप लोगों के पास एक ही विकल्प है कि अगर आपके खेत में नीलगायों नील का जो है आक्रमण होता रहता है वो तबाही मचाती रहती हैं तो आप इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर सकते हैं वो है। वो वो वन वन टाइम टाइम इन्वेस्टमेंट है जी बार अब बार आपके खेतों में बना बना ही ही रहेगा रहेगा अच्छा चलते चलते तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि हमारे किसानों के लिए और क्या मतलब बातें उपयोगी हो सकती है जिनकी फसल के लिए वो लाभदायक हो बस क्या इंतजाम कर सकते हैं वो अच्छी फसल अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का चयन भी बहुत जरूरी है उसका सॉयल टेक्सचर अच्छा बनाना बहुत जरूरी है जैसे सपोज अगर बहुत सैंडी सॉइल है तो उसमें हम गोबर की या कंपोस्ट ये ये डाल के जी उसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं और उसमें अच्छी पैदावार ले सकते हैं इसके अलावा सिंचाई का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो अभी आपने पूछा कितनी सिंचाई होती है उतनी निश्चित सिंचाई ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा कम होने से उसमें प्रोडक्शन उस में, में कमी कम आ जाएगी जी और आ, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज भी नहीं करना चाहिए जिससे हजार डॉ काम से काम जितना, जितना काम भरो उतना ही करे उतना ही उतना ही हो जाए जी दोस्तों डॉक्टर साहब ने जो हमें बातें बताई उम्मीद है कि वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए दर्शकों अभी हमें दीजिए इजाजत लेकिन जाने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्क्रीन पे जो पता दिया हुआ है उस पर आप अपना सुझाव में भेज सकते हैं हमारा पता है 302 सौ दो टावर ऑफ यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई चार शून्य 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 छः एक हमारा ईमेल आईडी है बीके के एट ग्रीन टी इंडिया डॉट कॉम आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर हैं शून्य एक दो शून्य चार नौ आठ शून्य 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 और चार नौ आठ शून्य शून्य एक एक अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डी ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें इन्फो एट ग्रीन टीवी इंडिया डॉट कॉम आरोप एस एम एस या व्हाट्सऐप करें नौ सात छो पाँच सात सात शून्य चार नौ आरोप आपके सुझाव का हमें रहेगा इंतजार अभी दीजिए इजाज़त नमस्ते